अस्सलामुअलैकुम, एक और ज़बरदस्त और नई फ़ायदेमंद वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की ज़बरदस्त वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको नाअहल कर दिया गया है, अगर आपको जांच पड़ताल में रखा जा रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अहल होना है, किस तरीके से आपने नई रजिस्ट्रेशन करवानी है। मुकम्मल तफसील तरीका आपको बताऊँगा, रकम लेने का भी तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, पूरी तफसील मिलेगी। वीडियो आधी देखेंगे तफसील भी आपको आधी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की फायदेमंद वीडियो देखना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दिया करें, ताकि इस तरह की फायदेमंद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कॉमेंट लाजमी कर दिया करें। दोस्तों, आपको ये बता दूँ कि एक काम जो आपने लाजमी करना है, वरना उसके बगैर आपको रकम मिलना बंद हो जाएगी। जो अहल अफराद हैं उनकी रकम भी मिलना बंद हो जाएगी, और नए लोगों को, जांच पड़ताल वालों को, किसी को भी रकम नहीं मिलेगी। चाहे आपका बेनज़ीर कफालत की रकम लेते हैं, चाहे आप बेनज़ीर नुशनुमा की रकम लेते हैं, चाहे आप बच्चों का वजीफ़ा लेते हैं, आपकी रकम जो है बंद हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब जो है टेलीनॉर की जो सिम्स हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं, उनके ऊपर 8171 का मैसेज नहीं आएगा। अगर 8171 का मैसेज आपके ऊपर नहीं आएगा आपकी सिम के ऊपर, तो उस नंबर के ऊपर जो है आप अहल नहीं हो सकेंगे। आपको जांच पड़ताल में भी रखा जाएगा, लेकिन आपको जो है अहल का मैसेज नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने ये करना है कि आप किसी और नेटवर्क की सिम ले लें, जैसा कि जैज़, जू फोन, वारद हो गया, और दूसरा जोंग की सिम्स हो गई, तो वो सिम आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन मुतवज्जा हों। 8171 से भेजे जाने वाले जो मैसेज हैं वो टेलीनॉर की सिम पर मैसर नहीं होंगे, तो इसलिए आपने टेलीनॉर की सिम नहीं ख़रीदनी, वरना उसके ऊपर आपको अहल का मैसेज भी नहीं आएगा, किसी तौर पर भी मैसेज आपको मौसूल नहीं होंगे, तो आपको रकम भी नहीं मिल सकेगी। अहलियत का मैसेज जिसमें ये कहा जा रहा है कि कवायफ की जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा, तो इसी वजह से आपको कहता हूँ कि टेलीनॉर की सिम को आप तब्दील कर लें। हुकूमत की तरफ से टेलीनॉर की सिम को जो है बंद कर दिया गया है, जिसके ऊपर अब आपको कोई भी मैसेज मौसूल नहीं होगा। जैसे ही आप दूसरी सिम लगाएंगे और वही नंबर आपने दिया होगा वहाँ पर मतलब कि डायनेमिक रजिस्ट्रेशन सर्वे में, तो आपको जो है उसी वक्त फौरी तौर पर जाँच पड़ताल का मैसेज आ जाएगा, और कुछ ही दिनों के बाद आपको अहल का मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये BSP एहसास कफालत की जो रकम है वो अभी भी डिवाइस के ज़रिए से मिल रही है, और उसके बाद जो है ATM के ज़रिए से भी ये रकम मिल रही है। डिवाइस के ज़रिए से जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद वाले हैं उनको HBL की डिवाइस से, और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दूसरे इलाके से जिनका तल्लुक है उनको बैंक अल्फला की डिवाइस के ज़रिए से ये रकम दी जा रही है। और ये सारे सबूत हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग ये पहले सबूत देखें। यहाँ पर देखें, ये काफ़ी ख़वातीन हैं जो अपनी रकम को ले रही हैं, और इनकी रकम जो है 9000, 10000, 15000, 17000 रुपये तक इनकी रकम आ रही है। उसकी वजह यह है कि उनके जो बच्चों के वजीफ़े हैं वो भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखें, ये ATM के ज़रिए से रकम मिल रही है, और ATM बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास फाल नहीं है, तो कुछ जगहों पर ये ATM चल रहे हैं, कुछ जगहों पर ATM नहीं चल रहे, तो ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। हर जगह पर ये ATM आपके चल जाएंगे और आप आसानी जो है अपनी रकम को ले सकेंगे। यहाँ पर एक और सबूत देखें, यहाँ पर काफ़ी जो ख़वातीन हैं वो अंगूठा लगाकर डिवाइसेस के ज़रिए से रकम ले रही हैं। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि आगे जो है अकाउंट के ज़रिए से आपको रकम दी जाए, आपका बैंक में अकाउंट खोला जाए, और उसके बाद जो है आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाए जिसके ज़रिए से आपको रकम दी जाए। जिनको पहले से डेबिट कार्ड दिए गए हैं वो डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होंगे, ये जो नए डेबिट कार्ड हैं ये आपको दिए जाएंगे बेनज़ीर कफालत के,
और वो डेबिट कार्ड मैंने आपको दिखाया भी है काफ़ी वीडियो में कि इस तरीके का जो सब्ज़ और येलो रंग का और सफ़ेद रंग का डेबिट कार्ड होगा जो आपको दिया जाएगा और उसी कार्ड के ज़रिए से आपको ये रकम मिलती रहेगी। फ़िलहाल ये रकम आपको इन डिवाइसेस के ज़रिए से मिलेगी, सेंटर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर ये दुकानदार हजरात मौजूद हैं वहां पर जाकर आप ये रकम ले सकते हैं बआसानी, आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। और वहां से आपने रसीद लाजमी से लेनी है, अगर आप रसीद नहीं लेंगे तो आपको रकम कम दी जा सकती है। यहां पर देखें ये HBL कनेक्ट डिवाइसेस वाले हैं जो कि रकम दे रहे हैं असास बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की, और यहां पर देखें और अपनी रकम भी ले रही हैं। और यहाँ पर देखें एक और ख़वातीन हैं और यहाँ पर रकम ले रही हैं, और यहाँ पर ये रसीद आपके सामने पड़ी हुई है। इस तरह की रसीद आपने लाजमी से ले लेनी है, रसीद के बग़ैर आपको रकम कम दी जा सकती है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि रसीद लाजमी लिया करें, उसकी वजह ये होती है कि आपकी रकम ज़्यादा होती है और आपको दुकानदार हजरात जो है रकम कम देते हैं, तो आप फौरी तौर पर उनसे कह भी सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं कि हमारी रकम जो है पूरी क्यों नहीं दी गई। इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको बता देता हूँ कि आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कॉल करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपकी रकम आई कितनी है, और ये भी मालूम कर सकते हैं कि सेंटर या ये दुकानदार हजरात कहाँ पर मौजूद हैं, आप जहाँ पर कर ये आसानी से रकम ले सकते हैं। और सेंटर के ऊपर रकम जो है जो मजदूर अफराद हैं उनको हफ्ते वाले दिन रकम दी जाती है, उनकी मतलब के रजिस्ट्रेशन भी की जाती है और हफ्ते वाले दिन उनको रकम भी दी जाती है। अगर आप सेंटर पर जाना चाहते हैं तो हफ्ते वाले दिन आप जाकर अपनी रकम को ले सकते हैं। एक और सबूत भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो है जाँच पड़ताल में का मैसेज आया है कि आप को अहलियत के बारे में कवायफ की जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी जो सिम्स हैं वो टेलीनॉर की इस्तेमाल की, जिसकी वजह से इनको जांच पड़ताल में रखा गया और अब इनको अहल का मैसेज नहीं आ रहा। तो आप अपनी सिम को तब्दील करवा लें, दूसरी सिम लगाएँगे तो इंशाल्लाह उससे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको जांच पड़ताल में नहीं रखा जाएगा बल्कि फौरी तौर पर जो है अहल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखें ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी ये रकम मिल रही है आपके सामने। यहाँ पर देखें ये इनके पास रकम भी है और रसीद भी है, तो ये ना समझें कि ये जो सिर्फ ख़वातीन को रकम मिल रही है, ये मर्दों को भी साथ साथ ये रकम मिल रही है और रसीद भी साथ मिल रही है ताकि उनको जो रकम है उनकी वो पूरी मिल सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फ़ायदेमंद वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं और इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दें। हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कॉल करके ये तफसीलात मालूम कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0826-4770। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप जो है कॉल करेंगे तो आपको आपकी कॉल मिल भी जाएगी और आपको जवाब भी मिलेगा कि आपका मसला भी फौरी तौर पर हल होगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।